गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही, गुड नाइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन बारदोस व्लॉग्स। तो आज हम हैं लैकी बॉय, सीधा चल सीधा। तो भाई आज वो दिन आ गया है जिसका मेरी मम्मी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, यानी कि मैं घर जा रहा हूँ। फाइनली जाना 2 दिन पहले था, बट उनको कुछ काम था, तो फिर आज ही आया है लक्की, इसके साथ मैं घर जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ इधर सेक्टर 15, बैंक का एग्जाम था तो उसको सेंटर से पिक कर लूँ। दिखा दी तो डोंट बी ऑफेंड। अभी जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हो भाई? क्या कर रहा था? स्टॉक मार्केट, स्टॉक या स्कॉट? स्कॉट मार्केट यार, शिफ्ट में ये बड़ी दिक्कत होती है, एंजल बेल्ट नल। तो भाई इतनी तो भाई ये सिस्टम है, अब आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, मतलब जब तक बेल्ट ना लगाओ ना, मतलब कुछ मिनट तक, जब तक वो अपनी स्पीड एक ना पकड़ ले, यहाँ से सीधा सीधा ही जाना सर्विस सर्विस रोड। एक तो गुड़गांव में शाम को पीक आवर्स में तो जाम लग जाता ना, हद ज़्यादा टाइम नहीं मैनेज हो पाता ढंग से। ये देख लो गाड़ी वाले को, देखो कहाँ चढ़ा के बैठा है भैया। साइड वाइड में लगा लिया करो, सर्विस लाइन होती है, सर्विस लाइन में 10 तो इधर इधर गाड़ी खड़ी कर देंगे, 10 इधर गाड़ी खड़ी कर देंगे, फिर कहाँ से सिस्टम बनता है वो समझ नहीं आता, सीधा सीधा ही निकलो। बाकी भाई एक बार पहुंच जाऊँ फिर मैं बताता हूँ क्या सीन आएगा। तो कुछ सीन नहीं है, घर ही जा रहा हूँ, और घर पर जाके सीन भी तो है उससे मिलवाता हूँ। जाम देख लो गाइस, दिवाली की दुकानों से ज्यादा ठेके सज रहे हैं यहाँ पे। यार ये कंस्ट्रक्शन हो रखी है, इस वजह से जाम लग रहा है क्या? हैं? ये देख भाई ग्लव्स पहन के चला रहा है अगला बंदा, साइकिल भी, मतलब हटते नहीं है यार जल्दी से बंदे। जरा सी रोड है उसका हाईवे बना रखा है। ये देखो हट जाओ भैया, टोपी वाले हिमेश रेशमिया, रेशमिया नाम है उसका, रसमिया नाम है, क्या नाम है उसका? रेशमिया। हाँ तो हिमेश छमिया जी हट जाइए। भाई गुड़गांव में आज की डेट में एंट्री करने में, मतलब एंट्री करने के अंदर मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, इतना जाम लग जाता है, इतना जाम लग रहा है। पहले टाइम पे गुड़गांव ठीक था, बिल्कुल क्लियर सिटी, जैसे नोएडा, नोएडा में भी अब इतना जाम लगना भी नहीं लगना था, नोएडा में नहीं, नोएडा में जाम नहीं है। गाइस जाम देख रहे हो तुम, जाम वो रेड लाइट पार करने में और यहाँ तक आने में हमें भाई कम से कम 20 मिनट लगे। और भाई ये है DCB बैंक, इसके ऊपर सेंटर पड़ा है। भाई बहन आ रही है एग्ज़ाम देके, मेरा ही फ़ोन आ गया, एक मिनट पहले बात कर लो। भाई जब तक ये जाम वाम रहता है बैरिकेड्स हटा दिया करो यार पुलिस वालों, देखना। वैसे एक छोटी सी रोड है और ऊपर से इतनी जरा सी रोड पे वो बैरिकेड और लगा देते हैं पुलिस वाले। तो गुड़गांव पुलिस अगर कोई भी देख रहा तो भाई प्लीज़, जब थोड़ा जाम वाम ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा यानी कि पीक आवर्स में, तो देख लिया करो सिस्टम। बाकी अभी जा रहे हैं घर की ओर। हेलो कर दो, आप भी हेलो कर दो। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बढ़िया। किस चीज़ का था? बीएड का। तो उसके तो अभी हुए थे ना, अभी रिसेंटली भी तो हुए थे शायद। ये हमें तो बस एक ही चीज पता है कि CBSE बोर्ड और UP बोर्ड। अंदर से ले ले, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है? CUET में तो साई यूनिवर्सिटी होती है ना, ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी कहलाती है। अच्छा तो ये कौन सी क्लास के लिए एग्जाम है? ग्रेजुएशन के बाद होता है ये, उसके 9th क्लास के लिए है। नहीं मतलब, अरे नहीं टीचिंग लाइन के लिए, वो तो मैं समझ गया, मतलब क्या कौन सी क्लास तक पढ़ा सकते हो अब? टेंथ तक। तो भाई सही है, टीचिंग एग्जाम गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। कितनी सैलरी मिलती है? अच्छा इसके बाद भी एक और एग्जाम है? हाँ, कितने एग्जाम होता है टोटल? एग्जाम होते हैं
एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे, टीचिंग मतलब बीएड एक कोर्स होता है, वो करना जरूरी है, होता है हाँ, टीचिंग लाइन के लिए डिग्री जरूरी होती है, ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, हाँ, इस वजह से फिर उसके बाद सीटेट देना पड़ता है, तब तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल। ठीक है, तो मतलब कितना टाइम पूरा प्रोसेस होने में, साल भर लग जाता होगा? दो साल का है कोर्स, उसके बाद तो फिर हम पे डिपेंड करता है ना, सीटेट तब क्लियर करते हैं। तो भाई जिसको भी टीचिंग लाइन में जाना हो अपने बेस पे जाना, क्योंकि इसमें दो साल तो लग जाते हैं, उसमें भी ये नहीं पता कि मतलब वो तो तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है, कितना पढ़ रहे हो तुम, है ना, कैसे कैसे कर रहे हो। बाकी देख लो भाई, खतरों के खिलाड़ी हैं। गांधी जी के तीन बंदर कैसे बैठे हाय करते भाई, हाय करते, हाय करते, हाय करते। गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज, आप कोई फायदा तो है नहीं, अपलोड तो कल ही होगी। आ जाओ फिर भी ना, तुम यहाँ पे खड़े हम, ये रेडिसन ब्लू होटल है ना, यही इसके सामने वाली बाइक पे खड़े, हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला, और तुम आ जाओ हमारा धक्का लगा देना सामने वाली बाइक पे, नहीं रेडिसन के सामने, रेडिसन के सामने गाड़ी खड़ी है हमारी HR 26007। क्या कर रहा हो? इसका तो शीशा लग रहा है, लकी रहने दे, कोई वो क्या कर रहे हैं, बन गया यार, फंस गई, फंस तो गए ही है, इतना जाम लगा है, सब पूछोगे भैया कितनी दूर है दिल्ली यहाँ से, पूछ लग किस से एक बार। यार तेरी कसम, ये MCD टोल वालों में आग दे दे तेरी कसम, सालों ने नींद खोल दी यार, दिवाली के चक्कर में, और दिवाली के चक्कर में ज्यादा जाम लग रहा है, वैसे है नहीं इतना। लाइट जला, ये आवाज इतनी स्कॉर्पियो में से आ रही है। हाँ यार स्कॉर्पियो में कोई दिक्कत हो रही है, इतनी गंदी, ओहो ये तो कैडाई सिस्टम है भाई। मोदी जी प्लीज जाम क्लियर करवा दो यार, तुमने इतना बड़ा रोड बना रखा है, ये है दिल्ली और दिल्ली गुड़गांव को जो टोल टैक्स, और फिर भी मतलब इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम, हद से ज्यादा जाम, इतने बराबर वाली रोड देगी साई साई। आज तो मोहरत निकला था मेरा घर जाने का, मैं वापस चला जाऊंगा इतनी टेंशन नहीं लेता मैं। अरे इसे उसका कुछ नहीं जाएगा, अपने की पप्पी हो जाएगी, फिर उतर कहेगा हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो, तुमने मेरी वेंटिलेटेड सीट फाड़ दी। 2 लाख की सीट है, 2 लाख की सीट है, नुकसान हुआ टोटल 6 लाख का भाई। 6 लाख तू भरेगा, तू भरेगा 6 लाख यार। बाकी पता नहीं वहां से जा रहे हैं बंदे, शीशा खुला हुआ है, एसी बंद करके भाई थोड़ा सा शीशा खोल लो, मौसम ठीक हो रहा, पेट्रोल बचा लो, मौसम नहीं ठीक हो रहा, पेट्रोल बचा रहा, तो भाई बचा रहा है भी कितना भाई, देख लो पेट्रोल यार, एडी पेट्रोल, मैं सोच रहा था आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा वहां डला लेंगे भाई। मैं तो नहीं मारूंगा धक्का, क्योंकि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, एक बार मजनू भाई को किसी बात पे गुस्सा आ गया, मेरी एक टांग तोड़ दी, पर दिल के बहुत अच्छे थे, पेट्रोल भी डलवाया तो। यार भाई मैं शहर की चोरी मेरी ले ले राम राम। यार आज एक भी ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं हो रही, सारी रेड यार, एक तो ये स्टॉक मार्केट वाले बंदे साथ में बैठ जाते ना यहाँ से, यू कर रहा देख 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 वो गाड़ी कॉल हुई, देख वो गाड़ी पुट हुई है, देख क्या चल रहा मार्केट में जाम के अलावा भाई, मार्केट में आज रेड ही रेड कैंडल सस्टेन है। आज लॉस में था, है कितना लॉस में था आज, कितना लॉस हो गया, भाई मुझे कोई ये बता दो कि उस बंदे को इतने जाम में क्या मजा आ रहे हैं, कांगे मगरमच्छ का बच्चा भाई, इस बंदे को क्या मजा आ रहा है, कांगे उठ खड़ा हो अगर एक बाप का है तो, पानी एक मिनट रुक जाओ मैं पहले शीशा साफ करना।
चला गया तुम्हें पता दिख रहा होगा इस, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख गया, ये आप दिखेगा इस बंदे को क्या मजा आ रहे हैं। मतलब पता है भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारी गाड़ी में वो लग रही है क्या कहते हैं तो छत ऊपर खुलने वाली तुमने अपनी गाड़ी को डुप्लेक्स बना रखा, पर इसका मतलब थोड़ा इतने गंदे जाम में तुम क्या देख रहे हो, खड़े हो गए जाम, ठीक है देख लिया फिर नीचे आ जाओ, अभी भी वहीं खड़े हैं। मतलब ये मैंने बीच में कट कर दिया था, आधे घंटे बाद अभी भी यहीं खड़े हैं, मतलब इस जाम में खड़े खड़े हमें एक से डेढ़ घंटा हो गया, 7 बजे निकले थे हम, पर समझ नहीं आ रहा ये वैगनार वाला हट नहीं रहा सामने से, पता नहीं किसकी गाड़ी है, अभी देखेंगे ऑडियो पे चेक करके। लक्की कह रहा भाई मेरा पेट्रोल खत्म ना हो जाए। कितने की एवरेज दे रही है, 13 की यू हो रही है भाई, ले ले यार ये घुसा देगा गाड़ी फिर बीच में कहीं व्लॉग बंद करके पीछे से निकालना पड़ा सामान। ये भी तो बीटी है, पता ना कौन सी नींद में खोया हुआ है। अरे बहन चोबा घर ही कर लियो बात। अरे भाई देख देख क्या यू घुस रही है गाड़ी, तू कहाँ जाएगा वैगनार के पीछे। वैगनार का पीछा ना छोड़ भाई, ये सिस्टम है। अगला बंदा भी देखो वो बना रहा वीडियो बॉस को भेजने के लिए अपने, कह रहा बॉस मेरे जाम लग रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा, देख लो से देख लो। यही है वो, यही है जो ये ऐसे जाम रख लेते हैं और अपने घर पे मतलब सेव करके रख लेते हैं, जब भी ना आना जाना हो कहीं तो यही वीडियो भेजते हैं। ये ट्रिप पे जा रहा है व्लॉगर ना, तो ये व्लॉगर है ये आ रहा है, क्या नाम है इसका भाई, अगर कोई इस बंदे को देखा हो जाना हो तो मुझे बता देना कौन है, ये देख लो और मैं तुम्हें क्लियरिटी करके दिखा दूँ, ये देख लो चाहे बंदा अपने गांव से आ रहा हो और वीडियो बना रहा हो। देखिए यार ब्लॉगर है हर कोई ब्लॉगर भी तो बनता है, रोड की गाड़ी कैसी साएं साएं चलती है भाई, ये कोनी उधार मिल रही है किसी को चाहिए हो तो ले लेना, ये बिक्री है कोनी फॉर सेल भाई, कब निकलेंगे यार, आज तो मुश्किल लग रहा है। मम्मी अगर आज मेरे साथ कोई कत्ल हो जाना फिर मेरे को बोलना मत, ये ग्रैंड आइटन वाला ये बदतमीजी कर रहा है ऑन रोड, मारूं कर दूं लगा दूं हाफ मेटा का चार्ज इस पे, इसके सामने आके इसकी गाड़ी के नीचे आ जाऊं हैं भाई, ये नंबर दे लो गाइस, इस नंबर पर रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट कर दो इसके, यहाँ लियो से यहाँ तो ले देखो। अब ये भाई इन लोगों की वजह से तो नहीं चलता जाम सीधा, अपनी लेन में नहीं चला रहा, देखे से देखे से देख आगे लिए पर तुम भी सर पकड़ के बैठो, पीछे वाले भी सर पकड़ के बैठे हैं, लेन में नहीं चल रही गाड़ी किसी से भी है ना, ये देख लो इसे देख लो, ओ भैया अपने ऊपर ही चला लो सीधा चला लो, होरन दे से होरन दियो, डिपर मारी लगती से, अबे रहन देना जान दे बदतमीजी बिना मतलब मैं। फिर तुम कहो के गुस्सा मत करो, सात बजे ही हो गया था। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं रेडिसन के सामने, अभी रेडिसन से आधे घंटे दूर थे, आधे घंटे में हम रेडिसन के सामने पहुंचे जो कि हमें सिर्फ 10 गाड़ी क्रॉस करनी पड़ी थी, और कैसा चल रहा है ब्रा वाला रोड तो चल ही रहा है भाई, वहां पर तो क्लियर है, उधर तो कोई जाम ही नहीं है ना, मेन जाम तो दिल्ली जाने के लिए है, वो दिल्ली से आ रहे हैं, आने में कोई गुड़गांव जाम नहीं देता। भाई फाइनली
घर पहुंच गए हैं, वो रहा अपना घर। फाइनली भाई बस जैसे तैसे पहुंचे, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अभी घर में घुस जाऊं, बात बात कर लूं सबसे, फिर बताता हूँ, फिर कुछ नहीं बताता, फिर मैं सो जाऊंगा, ठीक है? तुम भी सो जाओ, बहुत देर हो गई, ओके? तो भाई फाइनली घर पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे आज, जाम इतना हो रहा था मतलब हद से ज़्यादा, और एक डेढ़ घंटा लग गया था, मतलब डेढ़ घंटा तो मुझे टोल टैक्स भी खड़ा हुआ लग गया। फिर उसके बाद हम दिल्ली की साइड गए, फिर कुछ थोड़ा सा काम था तो सिविल लाइन पर गए थे, फिर वहाँ पर टिक्की विक्की खा ली, मज़ा आ गया था खा के बिल्कुल। और अब सो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, अभी सुबह जा रहा है एक मीटिंग में, 7 बजे के आसपास जाना है कहीं, तो मैं एक बार वो कंप्लीट करूँगा, फिर कल का सीन कल का बताऊँगा। आज कल लोग यहीं खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल, और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसने एक्सपोज वाली वीडियो नहीं देखी ना, पायल जोन एक्सपोज, प्लीज़ देख लेना जाके, रिक्वेस्ट बाय के लिए, बाय।